भगवान भी अपने महल से निकले और नारद जी भी आए और नारद जी ने सारी बात कह दी कि माता ये आपके ही पुत्र हैं जिसे शंबरासुर प्रसूति के घर से उठाकर ले गया था। अब तो आरती की थाली आई, धूमधाम से अपने पुत्र और पुत्रवधु को अपने महल में ले गए। तब तक भगवान का 16,108 विवाह हो चुका था। कितना विवाह? 16,108। राजा परीक्षित कहते गुरुदेव, भगवान का इतना विवाह कैसे हुआ आप मुझे बताएं। हमारे मन में सोने की उत्कंठा है। बोले राजन, भगवान द्वारिका में रहते हैं। द्वारिका में एक और राजा है जिसका नाम है सत्रादित्य। सत्रादित्य के ऊपर भगवान सूर्य की विशेष कृपा है। भगवान सूर्य सत्रादित्य को एक मणि दे रखे हैं जिस मणि का नाम है समयंतक मणि। जिस मणि से 8 भार स्वर्ण नित्य प्रति निकलता है। अब आप समझ सकते हो कि 8 भार सोना जिसके घर में आता होगा, 8 भार मीन्स लगभग 2 क्विंटल सोना। जिसके घर में 2 क्विंटल सोना रोज आता होगा, आमदनी होगा, वो कितना बड़ा धनवान होगा। एक दिन की बात है, ये सत्रादित्य समयंतक मणि पहनकर और द्वारिकाधीश के राज्यसभा में पहुंच गए। इनका बड़ा आदर सत्कार हुआ, बड़ी अवभगत हुई। बातचीत चल रही थी, भगवान ने कहा बात करते करते, सत्रादित्य जी आपके पास तो ऐसे भी संपत्ति की कमी नहीं है। नित्य प्रति तकरीबन 2 क्विंटल सोना आपके आमदनी है। इतना धन लेकर क्या करोगे? ऐसा करो ना आप कि मनी महाराज उग्रसेन के खजाने में रखवा दो, इसलिए ताकि जनता पर प्रजा पर कभी यदि किसी तरह का संकट आए तो धन रहेगा तो प्रजा की रक्षा की जाएगी। और आपको यदि चाहिए जितना उतना आपको मिलता रहेगा। कोई भी आदमी इस बात के लिए मंजूर कर सकता है कि हम अपना रुपया पैसा आपके पास रखते हैं और जब जब आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपसे मांग के ले आऊंगा? सत्रादित्य भी ना कर दिया, कुछ नहीं बोला और वहां से चुपचाप चल दिया। 2-4 दिन के बाद सत्रादित्य के छोटे भाई का नाम है प्रसेन। वो प्रसेनन समयंतक मणि पहन लिया। हाँ, ये चढ़ाना है ना, सुबह में चढ़ा विवाह सामान ऊपर में दो दिन। हाँ, भागवत भगवान पर अर्पण भवित है, सबका वही में रख दीजिए। तो ये प्रसेनन समयंतक मणि पहनकर जंगल जंगल की ओर चल दिया शिकार खेल। प्रसेनन के ऊपर किसी सिंह की नजर पड़ गई। सिंह जोर से प्रसेनन की ओर ऊपर झपटा, उसे मारकर मणि लेकर सिंह जा रहा था। सिंह के मुख में ये मणि देखकर जांबवंत जी की पुत्री जांबवती
अपने पिता महाराज को बुलाई, पिताजी पिताजी इस सिंह के पास इतना बढ़िया मनी है, मुझे ला दीजिए खेलने के लिए। जामवंत जी सिंह को मारकर मनी लेकर अपनी पुत्री को दे दी। अब एक दिन द्वारिका नहीं आया प्रसेन, अब आप समझ सकते हो कि सत्राजित की क्या हालत हुई होगी। जिसके घर में 2 क्विंटल देने वाला मनी के साथ साथ छोटा भाई गायब हो गया हो, उसकी क्या हालत होगी। एक ही दिन में इसके शरीर कांप गए, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, अब तो भोजन पानी भी बंद कर दिया, घर से निकलता ही नहीं। पत्नी ने कही, आजकल आप इतना उदास क्यों रहते हो, क्या बात है। ये सत्राजित कुछ नहीं बोल रहा। पत्नी ने कही, बताइए ना क्यों उदास हो आप, क्या बात है। सत्राजित ने कहा, देखो हमने देखा नहीं, लेकिन कृष्ण ने मुझे ऐसे कहा था। क्या कहा था? कि ये मणि महाराज उग्रसेन के खजाने में जमा करवा दीजिए। सो मैंने जमा नहीं करवाया। सो मुझे लगता है कि शायद कृष्ण ने ही मेरे भाई को मारकर और मणि हड़प लिया, छीन लिया। सुनो, लेकिन किसी के सामने बोलना नहीं, कहना नहीं। अब तो महाराज एक कान से दूसरे कान, अब तो वो भी मंदिर गई तो पूजा करने में मन ही ना लगे। सखी सहेली बोली, बहन क्या बात है, तुम तो हर समय खुश रहती थी, आज क्या बात है तुम उदास हो। सत्राजित की पत्नी बोली, तुम यदि किसी के सामने नहीं बोलो तो मैं बताऊं। बोले, राम राम, हम लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, हाँ? ये तो अंदर की बात है, अपनी बात है, ये किसी के सामने बोलने की बात है, बताओ ना मुझे। देखो, मन का दुख बताने से मन हल्का होता है, मुझे बताओ, हम तुम्हारी सहेली हैं। सत्राजित की पत्नी एक सहेली के सामने बोल दी, देखो ना ये कृष्ण मेरे देवर को मारकर मनी छीन लिया, अब तो एक कान से 2 कान, 2 कान से 10 कान, देखो तुम किसी को बताना नहीं, किसी को कहना नहीं, और एक दूसरे को कहते जाते हैं। जानती हो ये जो कृष्ण है ना, ये द्वारिकाधीश, ये तो प्रसेनन को मारकर मनी छीन लिया, अब तो ये बात मानो पूरी द्वारिका में फैल गई। भगवान को इस बात का पता चला है, भगवान सत्राजित के पास आए और बोले, आपका भाई कहाँ गया था। बोले, मेरा भाई शिकार पर गया था जंगल, भगवान 10-15 मथुरावासी को साथ में लिए और जंगल की ओर गए, तो कुछ ही दूरी जंगल जाने के बाद देखते क्या है कि प्रसेनन मरा पड़ा है और उसके शरीर के ऊपर सिंह के पंजे का निशान है। भगवान सिंह के पंजे को देखते देखते जब कुछ दूर गए तो वहां देख रहे कि सिंह भी मरा पड़ा है, किसी वृक्ष के पांव का निशान। वृक्ष के पांव के निशान को देखते देखते भगवान एक गुफा में प्रवेश की, वहां जामवती मनी लेकर खेल रही थी। जो ही भगवान मनी लेना चाहे, जामवती जोर से चिल्लाई,
पिताजी पिताजी बचाइए बचाइए, कोई मेरा मनी छीन रहा है। जामवंत जी भगवान के ऊपर बड़ी जोर से प्रहार की, दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, पांच दिन, दस दिन, 17 दिन तक ये भीषण युद्ध होता रहा। 17वें दिन शाम के समय जामवंत जी का पूरा शरीर हिल गया, पूरा नस ढीला हो गया, अब उठने की भी ताकत नहीं रही। तब भगवान के चरणों में झुककर बोले, हे प्रभु, आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि वही राम हम कृष्ण बन के आए हैं। भगवान ने कहा, बताने का कोई समय देते तब तो। आप तो मेरे ऊपर इतने जोर से प्रहार किए, यदि मेरे सिवाय कोई दूसरा होता तो एक ही प्रहार में समाप्त ही हो जाता। जामवंत जी मनी भगवान के चरणों में सौंप दिए और जामवती के हाथ को भगवान के हाथ में देकर मंत्र पर भी हाथ जोड़ लिए। भगवान का दूसरा विवाह जामवती के संग हुआ। अब देखिए, भगवान और भक्त के बीच में कभी सुने कि युद्ध हुआ है? भक्ति में युद्ध नहीं होता है, लेकिन यहां युद्ध हुआ है। क्यों? क्योंकि रामा अवतार में भगवान जब लंका पर विजय प्राप्त किए ना, तो सबको बोले जिसको जो इच्छा हो वरदान मांगो। तो जो जिसकी इच्छा हुई मांगी। जामवंत जी सबसे बगल में खड़े थे, बोले जामवंत जी आप भी कुछ मांगी। बोले मैं क्या मांगू, मैं जो मांगूंगा दोगे आप? बोले मांग के तो देखो ना, मैं दे पाता हूं या नहीं, आप मांग के तो देखो। तो जामवंत जी ने कहा कि मन करता है। बोले क्या मन करता है? कि आपके साथ ही दो हाथ युद्ध करूं। बोले क्यों? बोले क्यों का कोई बात नहीं है, रावण के दल में रावण कुंभकर्ण और विभीषण के बाद कोई इतना ताकतवर था ही नहीं जिसके साथ हम युद्ध करते। सो मेरे शरीर में अभी भी खुजली चल ही रही है, सो मुझे लगता है कि आपके साथ ही दो बार युद्ध करके और अपने मन की जो प्यास है वो बुझाऊं। भगवान ने कहा अभी तो हम मर्यादा में हैं, अभी तो ये संभव नहीं है, लेकिन ये इच्छा आपकी पूरी होगी, मैं आपको वचन देता हूं, वरदान देता हूं कि आप किसी से नहीं हारोगे। लेकिन जिस रोज आप हार जाओगे तो समझ लेना कि नारायण का अवतार हो गया है। आज भगवान जामवंत जी की इच्छा को भी पूर्ण कर देंगे और भगवान का दूसरा विवाह जामवती के संग हुआ। जामवती को लेकर के भगवान द्वारिका आए और 17 दिन को मनी सौंप दिया। 17 दिन बहुत लज्जित हुआ, हम भगवान के ऊपर झूठा दोषारोपण लगाए, भगवान के चरणों में गिर करके रोने लगा 17 दिन और अपने प्रायश्चित के लिए 17 दिन के पुत्री का नाम है सत्यभामा, सत्यभामा का हाथ भगवान के हाथ में दे दिए और मनी ही भगवान के चरणों में समर्पित करके क्षमा मांगा। प्रभु क्षमा कर दीजिए, मानव हैं, भूल हो ही जाती है। भगवान ने कहा हमें मनी की क्या आवश्यकता है, मनी आप ही रखो। भगवान मनी 17 दिन से नहीं लिए, लेकिन भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के संग हुआ।
पहले ऐसा बात हुआ था सत्यजीत में और सुधनुआ में कि सुधनुआ का विवाह सत्यभामा के संग हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भगवान के संग हुआ। इसलिए बदला लेने के लिए अक्रूर जी से मिलकर सुधनुआ अक्रूर के उकसाने पर सुधनुआ सत्यजीत को मारकर और मनी लेकर फरार हो गया, चला गया। और भगवान की पत्नी सत्यभामा रोती हुई हस्तिनापुर आई, भगवान यहाँ हस्तिनापुर में थे। अब देखो कुछ ना भगवान को भी करना पड़ता है। भगवान की पत्नियों में सबसे जो धनवान पत्नी है ना, वो है सत्यभामा। सबसे जो धनवान पत्नी है वो है सत्यभामा। सत्यभामा के पिता के घर से नित्य प्रति 2 क्विंटल सोना आता है, तो हुई ना। अब बड़े बाप की बेटी का बड़ा नखरा, भगवान की समस्त पत्नियों में सबसे ज्यादा यदि रूठती भी है कोई तो सत्यभामा ही। रोती हुई आई, भगवान ने पूछा क्या हुआ। सत्यभामा ने कही सुधनुआ ने मेरे पिता को मारकर मनी लेकर चला गया। भगवान भी थोड़ा नाटक किए, पत्नी के सामने रोए धोए और सुधनुआ के पीछे लग गए। लेकिन उससे पहले ही अक्रूर जी सुधनुआ से मनी लेकर काशी चला गया। भगवान जब सुधनुआ को पकड़े, उसको मारे, तो उसके पास में मनी नहीं था। पता चला कि अक्रूर जी के पास में मनी है। भगवान ने अक्रूर जी के पास खबर भेजा, अक्रूर जी आप तो मुझे जानते हो, फिर भी आप जल्दी आ जाओ द्वारिका, नहीं तो अच्छी बात नहीं। अक्रूर जी समझ गए कहां भाग, सारी पृथ्वी तो गोविंद की ही है। तो वापस आए, भगवान ने कहा कि दंड आपको मिलना बहुत जरूरी है। क्या दंड दिया गया कि उस मणि की 10 घंटा रोज पूजा करनी पड़ती थी। मणि की पूजा तो आप करोगे रोज, लेकिन जितना भी धन मिलेगा ना उसमें, वो धन सारा का सारा राजकोष में जमा किया जाएगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान एक दिन अर्जुन जी के साथ जंगल में भ्रमण करने के लिए गए। उस जंगल में सूर्य की पुत्री यमराज की बहन जिसका नाम है कालिंदी, यमुना भी उसका एक नाम है, जंगल में तपस्या कर रही थी। अर्जुन जी महाराज रथ से उतर के गए और पूछे, देवी आप इस निर्जन नितांत वन में क्या कर रही हो। तो उसने कही कालिंदी ने कि हम कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। बोले कृष्ण तो हमारे साथ रथ में बैठे हैं। अर्जुन जी कालिंदी का हाथ पकड़ करके लाए, कृष्ण के हाथ में सौंप दिए। अर्जुन जी ही मंत्र पढ़ दिए, भगवान का 4वां विवाह कालिंदी के संग हुआ। एक राजा है जिनका नाम है बिंद और अरविंद, जिनकी परम सुंदरी बहन जिसका नाम है मित्र वृंदा, भगवान का 5वां विवाह मित्र वृंदा के संग हुआ। एक राजा है जिनका नाम है नग्नजीत, जिनके पास में 7 बैल है, मनुष्य से भी ज्यादा बुद्धिमान। उस राजा ने मन में संकल्प कर लिया है जो एक साथ 7ों बैल को नकेल पहना देगा, उसी के संग हम अपनी कन्या का विवाह करेंगे। भगवान को पता चला इस बात का, भगवान आए,
सात रूप धारण किए, एक ही साथ में सातों बैल को नकेल पहनाए और भगवान का छठा विवाह नग्नजीत राजा के पुत्री का नाम नग्नजीती है, नग्नजीती के साथ हुआ। एक राजा की देवी है जो स्वयं अपने राज्य के शासन को चलाती है, जिनका नाम है भद्रा। भगवान का सातवां विवाह भद्रा के साथ हुआ और मध्य देश के राजा की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। भगवान का आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। तो ये भगवान के कितने विवाह हुए अभी? केवल आठ। कितना विवाह बाकी है? 16,100 विवाह बाकी है अभी। एक राजा है, एक राक्षस है, भूमिपुत्र, जिसका नाम है भौमासुर। बड़ा ही दुष्ट है, जिसने मन में संकल्प कर लिया है जब तक 20,000 राजकन्या हम एकत्रित नहीं कर लेंगे तब तक विवाह नहीं करेंगे। 16,100 राजा की कन्याओं का अपहरण कर लिया है। नारद जी के द्वारा भगवान को खबर लगा, भगवान सत्यभामा को साथ में लिए और उस भौमासुर के राज्य पर चढ़ाई कर दी। उसके समस्त परकोटों को तोड़कर भौमासुर का उद्धार करके भगवान वहां गए जहां पर 16,100 राजकन्या कारागार में बंद है। सुखदेव स्वामी कहते हैं भगवान ने सबको कारागार से मुक्त किया और भगवान ने कहा आप लोग मुक्त हो, अपने अपने घर को आप जा सकती हो। सारी कन्या हाथ उठा दी। गोपाल आप जानते हो जब अविवाहित कोई भी कन्या अपने पिता के घर से निकल जाती है ना और 2-4 दिन 10 दिन मास 2 मास कहीं रह ले तो घर के लोग भी उसे स्वीकार नहीं करते। हम तो ठीक थे, इस भौमासुर के कारागार में ही ठीक थे। हम तो अपने पिता के घर नहीं जा सकते हैं और दुनिया का कोई राजकुमार मुझसे विवाह भी नहीं करेगा, वो तो इतना ही उलाहना देगा ये तो भौमासुर के यहां से रह के आई है। तो दोनों ही स्थिति में न तो दुनिया का कोई राजकुमार विवाह करेगा और न ही मेरे माता पिता मुझे स्वीकार करेंगे। हम लोगों के पास तो दो ही मार्ग हैं, एक मार्ग तो चाहे कुमार्ग में चले जाएं, दूसरा चाहे आत्महत्या कर लें, और कोई रास्ता नहीं है। गोपाल भगवान ने देखा है तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भगवान ने कहा देखो यदि किसी के मन में किसी तरह का कोई संकोच नहीं हो तो हम सबको समान रूप से जीने का अधिकार प्रदान करना चाहते हैं, हम तुम सबके संग विवाह करना चाहते हैं, क्या तुम्हें मंजूर है? संसार की कौन ऐसी राजकन्या होगी, कन्या होगी कि कृष्ण को पति रूप में पाकर खुश नहीं होगी? सबने हाथ उठा दिया। लोग कहते हैं भगवान 16,108 विवाह की, कहते हैं ना, क्योंकि अब आप स्थिति देखिए, यदि भगवान विवाह नहीं करते तो वहां क्या होगा? यदि भगवान नहीं विवाह करते तो कितनी विकृति फैलती, और नहीं विकृति फैलती तो सब आत्महत्या करके मर जाते, समाज में कैसा संदेश जाता। भगवान ने सब को समान रूप से जीने का अधिकार प्रदान किया है। अब आप कहोगे कि भगवान के 16,108 विवाह ही क्यों हो, 20,000 विवाह भी हो सकता था। तो कहते हैं चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चार वेद में तीन कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं, उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं जो भगवान की पत्नी बनकर के आई है।
100 उपनिषद हैं जो भगवान की रानी बन करके आई है, और ये जो अष्टधा प्रकृति है ये भगवान की पटरानी बन करके आई है। कि भो मेरा पो नलो वायु सम्मनो बुद्धि रे वच अहंकार इति यमे भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये आठ प्रकार के कौन से प्रकृति हैं? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये भगवान की पटरानी बन के आई है। अब ईश्वर में और जीव में अंतर क्या है? ईश्वर उन्हें कहते हैं जिनके अंदर में संसार है, और जीव का मतलब है जो संसार के अंदर है। और एक बार बड़ी मजे की सुनाता हूं। भगवान की 16108 जो पत्नियां हैं, नारद जी मन में सोचे इस मानव की एक पत्नियां रहती हैं तो रोज कुछ न कुछ परेशानी बढ़ते रहता है। एक पत्नियां हो, दो पत्नियां हो तो रोज परेशानी रहता है, और जिसकी 16108 पत्नी होगी उसके क्या हालत होगा। नारद जी ने मन में सोचा, देखता हूं कि भगवान कैसे सबको मेंटेन में रखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं सबके साथ, किसके महल में रहते हैं। आज नारद जी रुक्मिणी महारानी के महल में प्रवेश की, जो ही प्रवेश की भगवान वहां पर संध्या वंदन इत्यादि कर रहे थे। आइए नारद जी आइए, कैसे आना हुआ, सब कुछ ठीक तो है। नारद जी ने सोचा, ओहो भगवान सबसे ज्यादा रुक्मिणी जी को मानते हैं, यही रहती है। उसके बाद भगवान सत्यभामा के महल में गए नारद जी। देखिए यहां क्या करें भगवान, तो वहां भगवान सत्यभामा के साथ चौसर खेल रहे थे। आइए नारद जी आइए आइए, कैसे आना हुआ। नारद जी ने देखा भगवान तो यहां भी है। जामावती के महल में गए तो भगवान वहां बच्चों के साथ खेल रहे थे। नारद जी समझ गए कि दुनिया की कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां भगवान नहीं है। और एक बात, जिस तरह से हमारी आपकी पत्नियां रूठती हैं ना, भगवान की पत्नियां भी रूठती हैं, और रूठने में सबसे एक नंबर में है सत्यभामा, हर बात में रूठती है। यदि कोई पत्नी नहीं रूठती है तो वह है रुक्मिणी। आज तक किसी मंत्री संतरी ने भगवान को यह नहीं कहा होगा कि रुक्मिणी महारानी मुझ पर गुस्सा की है, मुझे डांटती है। जिससे पूछते हैं भगवान, जिस मंत्री से संतरी से, सब कहते हैं मालकिन हो तो रुक्मिणी महारानी के समान। भगवान ने मन में सोचा कुछ ऐसा कौतुक करूं जिससे रुक्मिणी हर समय, आज तक कभी गुस्सा में देखे नहीं, हर समय मुस्कुराते हुए देखते हैं, कभी गुस्सा में देखो कि कैसी लगती है। भगवान में बहुत कौतुकी है, आज बिना वजह के ही भगवान सुबह सुबह रुक्मिणी महारानी के महल में आए और एकदम चुपचाप बैठ गए। रुक्मिणी महारानी जिस काम को कर रही थी छोड़कर पंखा लेकर के भगवान के पास चलाने लगे। भगवान अब जो कृष्ण एक मिनट चुप नहीं रहने वाले, इतने चंचल, अब 5 मिनट से बिल्कुल मुख को लटकाए बैठे। रुक्मिणी महारानी पंखा कर रही थी और बोली, स्वामी क्या बात है, आज आप कुछ उदास लग रहे हो। नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, नहीं बताओ ना क्या बात है, कोई परेशानी है। नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं, मुझसे कोई भूल हो गई,
कुल नहीं बताइए, यदि कोई भूल हुई हो तो हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। भगवान ने कहा यदि एक भूल हो तो बताऊं, भूल पर भूल, भूल पर भूल, भूल पर भूल करती जाती हो और कहती हो भूल हो तो सुधार करूं। रुक्मिणी ने कही तो बताइए ना, बताइए ना क्या क्या भूल हुई। भगवान भूल बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि राजपुत्र सीता भो पैर लोकपाल विभूति भी महान भाव श्रीमद भी रूप और दार्य बलोर जीते। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी महारानी से कहते हैं कि पहली गलती तो आपने ये की कि मुझसे विवाह किया। दुनिया के बड़े बड़े राजकुमार आपको पत्नी के रूप में चाह रहे थे, अरे उन राजाओं महाराओं चाहों से विवाह नहीं करके एक गवार ग्वारिया से विवाह किया, क्या मिला आपको? भगवान ने देखा गुस्सा क्या होगा, देखे तो नहीं गुस्सा नहीं था। भगवान ने कहा हम जानते हैं, फिर भगवान दोबारा कहते हैं भगवान कहते तुम तो यही कहोगे ना जी विवाह तो बिल्कुल नहीं किए करते आपके साथ, लेकिन इसलिए कर लिए कि आप बहुत बड़े वीर हो। भगवान ने कहा काहे का वीर, दुनिया के राजाओं ने जब मुझे नहीं रहने दिया ना पृथ्वी पर उसके डर के मारे मैं बीच समुद्र में मकान बना करके हूं, देख रही हो ना इतने बड़े डरपोक से तुमने विवाह कर लिया। भगवान ने देखा अभी तक गुस्सा नहीं आया। भगवान ने कहा तुम तो यही कहोगी ना कि अजय विवाह तो बिल्कुल नहीं करते लेकिन इसलिए कर लिए कि आप बड़े सुंदर हो। काहे का सुंदर, मेरा नाम ही कनुआ था बचपन से और जब से कालिया नाग से युद्ध किया और काले हो गए। भगवान ने देखा अभी तक गुस्सा आया नहीं। भगवान ने कहा या कि हम जानते हैं कि तुम यही कहोगी अजय विवाह तो बिल्कुल नहीं करते लेकिन इसलिए कर लिए कि आपका बहुत नाम है दुनिया में। भगवान ने कहा मेरा नाम कौन लेता है, कभी टेलीविजन में देखे हैं आज तक मोबाइल पर कि अंबानी हाथ में माला लेकर के फेर रहा है, वो भीख मांगने वाले बाबा जिसे कोई काम नहीं है, न रहने के लिए छत है, न भोजन के लिए कोई व्यवस्था है, न पहनने के लिए कोई बढ़िया वस्त्र है, वो दिन रात सीताराम 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 माला खींचते रहते हैं। भगवान देखे कि अभी तो गुस्सा नहीं आ रहा, भगवान ने अंतिम प्रहार किया, तुम यदि कहो तो अभी मैं किसी राम कुमार से बात करूं और तुम्हारी शादी करा दूं। भगवान कब कह रहे हैं, जब रुक्मिणी महारानी के पांच पांच पुत्र हैं। ये तो रुक्मिणी महारानी थी जो बर्दाश्त कर ले, आजकल की पत्नियां रहती तो ठिकाने लगा देती। जवाब के बदले रुक्मिणी महारानी मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गई। जो ही मूर्छित हुई जमीन पर गिरी पसीने पसीने हो गई। भगवान चार भुजा धारण किए, दो भुजा से रुक्मिणी महारानी को उठाए, एक भुजा से पंखा करने लगे और एक भुजा से मुख को पोंछने लगे। जब एक घंटे के बाद रुक्मिणी महारानी को होश आया, भगवान रो रहे थे, बोले देवी हम तो ऐसे ही कौतुकी हैं, हम विनोद कर रहे थे, हास्य कर रहे थे, देख रहे थे हर दिन तुम्हें हंसते देखते हैं, देखो कि गुस्सा में कैसा चेहरा लगता था और तुम तो बेहोश ही हो गई। रुक्मिणी महारानी ने क्या जवाब दिया, गोविंद आपने कुछ भी झूठ नहीं कहा, आपने कहा कि तुमने मुझसे विवाह क्यों किया, बिल्कुल सही कहा, मैंने तो आपसे कुछ विवाह नहीं किया है, तो आपने कृपा की, आपने कृपा की कि अपने चरण में जगह दिया मुझे, कहा आप संसार से पड़े पुराण पुरुषोत्तम और मैं संसार से आवध एक नारी। गोविंद ये तो आपकी कृपा हुई कि आपके चरणों में बैठने का आश्रय मिला। दूसरी बार आपने कहा कि दुनिया के वीर मुझे जब नहीं रहने दिए तो मैं पृथ्वी को छोड़कर समुद्र में रहता हूं, तो मैं तो यही जानता हूं
कि आप जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष पाखंड है उसके हृदय में नहीं, आप कहां रहते हो? तो सेते समुद्र उपलम्भन मात्र आत्मा, जिसका समुद्र के समान विशाल हृदय है। तीसरी बात आपने कहा कि हम काले हैं। महाराज आप काले हो तब तो 16108 विवाह हुआ, कहीं गोरे होते तो न जाने कई हजार विवाह और होता। चौथी बात आपने कहा कि मेरा नाम कौन लेता है, वो भीख मांगने वाले बाबा, तो मैं तो यही जानती हूं कि संसार का जो धन है ना उसे रखने में बड़ी कठिनाइयां होती हैं। ज्यादा धन हो जाए तो रखने में बड़ी कठिनाई, क्या करूं इसे, कहां रखूं, कहीं बगल वाले को पता न चल जाए, कहीं डाका न पड़ जाए, कहीं चोरी न हो जाए, हैं? कहीं इनकम टैक्स का छापा न लग जाए। तो ये संसारिक धन जो है ना ये तकलीफ को बढ़ाता है। संसारिक धन में चोर का डर, डाकू का डर, पड़ोसी का डर, इनकम टैक्स का डर। लेकिन जिसके पास, मैं तो यही जानती हूं कि जिसके पास राम के नाम का खजाना है कि कबीरा सब जग निर्धना धन बनता नहीं को धन बनता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। इसलिए तो संत कहते हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सतगुरु सत के नाम खेवटिया सतगुरु, सत की नाम खेवटिया सतगुरु, सत की नाम खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरवायो, भव सागर तरवायो, खायो न खर्चे चोर न लेवे, 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 चोर न लेवे, चोर न लेवे, चोर न लेवे, चोर खर्चे चोर न लेवे, खायो न खर्चे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त समायो, खायो जी मैंने दिन दिन बढ़त समायो, खायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
आनंद का पल कुछ देर का है। आज जितना आनंद इकट्ठा करना है हृदय में उस हिसाब से कर लो। भगवान की जो बरसात है ना वो गड़बड़ सब जगह होती है, लेकिन कहीं पानी ज्यादा और कहीं पानी कम, इसका मतलब समझते हैं इकट्ठा क्यों होता है। जिसका बर्तन जितना बड़ा उसके पास पानी उतना ज्यादा, बरसात बराबर हो रहा है, और जिसका बर्तन जितना छोटा उतना रुकेगा नहीं, पानी गिर जाएगा। लेकिन इसलिए जितना आनंद लेना है, अब आनंद के लिए गाना भी पड़ेगा और ताली बजाना भी पड़ेगा। श्री राधे। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। पहले दिन से कह रहा है ताले बजा, जाके भजन हुआ तो सब गोटे ताले बजा दो। अब बजावे छथिन कते गोटे, आ कते गोटे केहन छथिन से कहो, कते गोटे की मन में सोचे छथिन। तीन बार भोजन भजन एक बार, तीन बार भोजन भजन एक बार, तीन बार भोजन भजन एक बार, तीन बार भोजन भजन एक बार। उसमें भी आते विघ्न हजार, उसमें भी आते भोर दोपहर और सांझ भोजन में व्यतीत भ जाए थे। भजन का टाइम खत्म किया खत्म, भोर में उठे छे तो सुतिए घूमते छे, आ दिन भर से काज सब गोटे करे छे, फिर रात का भोजन का काफी आ गए आलस आ गए सुत रहे छे, तो भजन तो भ नहीं पावे छे। और की मन में लोग सोचे छे, मन करता है मैं गंगा नहाऊं, मन करता है मैं गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं जाके तीर्थ कर आऊं, गंगा नहाऊं जाके तीर्थ कर आऊं। गंगा जाते जाते मुझको चढ़ जाती भूख, गंगा जाते जाते मुझको गंगा कात गेला के बाद असरा नहीं हो मुर्गा गेला बच्चे बुखार लगे। उसमें भी आते हैं विघ्न हजार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। दोनों हाथ ऊपर उठा का तीन बेर जो भोजन करे छे, कम से कम एक बेर भोजन का ताकत लगा दियो ताली में। जय हो। तीन बार भोजन भजन एक बार, तीन बार भोजन भजन एक बार। उसमें भी आते हैं विघ्न हजार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। मन कहता है कथा सुन आए, मन कहता है कथा सुन आए, भजन के साथ में हम ताली बजाए, भजन के साथ में हम ताली।
सुनते सुनते निद्रा देवी है सवार, भ्रमर सुनते सुनते निद्रा देवी है सवार। बिल्कुल सत्य कह रहा जी, एखनो यानी एखन को सुते के टाइम भले हो, एखनो कथ लोग का हाथी बोल जब देखे छी अठनो हाथ ऊपर उठा के जब ताली बजवे तो नींद देवे नहीं करता। नियम छे भजन कथा मा शांत चित सागर बैसल छे, तो नींद एवे करते आलस से गहबे करते हाथी एवे करते, अने दोनों हाथ ऊपर उठा के अगर ताली बजावे लागिए ते इंद्रा देवी को सो दूर भजते सुबह भी आते समुचित जवाब दिया। सुखदेव स्वामी कहते राजन, भगवान के महल में भगवान के जो पुत्र हैं ना, उनकी उम्र 25 वर्ष, भगवान का उम्र 50 वर्ष और उनके पौत्र का उम्र 15 वर्ष, लेकिन दिखता क्या है, पुत्र लगते हैं 50 के, पौत्र लगते हैं 25 के, और भगवान के ऊपर ये दुनिया की माया तो व्याप्ति ने भगवान लगते हैं 15 वर्ष के, 16 वर्ष से छोटे ही मेरे गोपाल रहते हैं सब। कभी कभी क्या होता कि प्रद्युम्न जी यदि महल में आते हैं तो रुक्मिणी महारानी घबरा जाता है, घबरा के आ जाती, मुझे ऐसा लगता कि शायद भगवान ही आए, कृष्ण इतने दोनों के रूप में कोई भेद नहीं था, इतना मिलता जुलता शरीर था, नक्श सिख था। एक राजा है, काशी नरेश से पूछा, लोग कृष्ण को क्यों मानते हैं, क्या बात है? बोले कृष्ण को इसलिए मानते हैं कि कभी कभी वो चार हाथ धारण कर लेता है, कभी कभी वो सुदर्शन चक्र भी दुनिया के सामने ले आता है, तो बोले यदि मैं भी
चार हाथ धारण कर लूं और सुदर्शन चक्र अपने साथ में ले लूं तो क्या दुनिया मुझे भगवान मानेगी? बोले क्यों नहीं मानेगी। पौंड्रक ने क्या किया कि काले कस्तूरी को घिसवा कर पूरे बदन पर लगा लिया और दो लकड़ी का हाथ सेट करा लिया पीठ में और एक बटनदार सुदर्शन चक्र। जब ये महल से निकला तो दो हाथ लकड़ी का और सुदर्शन चक्र ऊपर में लगा लेता और सबको कहता कि पौंड्रक कृष्ण मेरा नाम है, वो जो द्वारिका का कृष्ण है वो झूठा है, मैं असली। अपने प्रजाओं से कहने लगा और पौंड्रक की पूजा होने लगी। एक बार तो ऐसा हुआ कि कृष्ण को खबर भेज दिया एक पौंड्रक, तुम नकली हो असली हम हैं, ये ताना बाना छोड़ो और नहीं तो आकर के मुझसे युद्ध करो। भगवान को नारद जी के द्वारा पता लगा। भगवान कहते हैं कि युद्ध को स्वीकार किए, पौंड्रक से युद्ध हुआ, भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया। लेकिन भगवान मन में सोचे पौंड्रक की दुर्गति नहीं होनी चाहिए क्योंकि पौंड्रक तो मेरा ही रूप धारण किया है, कृष्ण का ही रूप धारण किया था ना पौंड्रक, यदि इसकी दुर्गति हो जाएगी तो मेरे रूप को कोई दुनिया में धारण नहीं करेगा। इसलिए इतने दुष्ट पौंड्रक का उद्धार करने के बाद भगवान ने वैकुंठ भेज दी, जाओ तुमने मेरे रूप का, तुम्हें मेरे रूप का यही फायदा मिला कि इतनी धृष्टता करने के बाद, इतनी बदमाशी करने के बाद भी मैं तुम्हें क्षमा कर दूं। तो जो भी व्यक्ति भगवान के इस कथा में इत्यादि में भगवान के छाया चित्र बनते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि गोविंद के ऊपर उनकी विशेष कृपा है। इसीलिए नहीं तो आजकल लोग, दुनिया बहुत आगे है, भगवान को कौन मानते हैं, जब जीवन में संकट आता है तो ही ये भगवान इत्यादि है। सुखदेव स्वामी कहते राजन भगवान कृष्ण को द्वारिका से पांडवों ने बुलाया। क्यों बुलाया? राजस्व यज्ञ के लिए भगवान आए और प्रस्ताव रखा गया। भगवान ने कहा अभी आप यज्ञ नहीं कर सकते। बोले क्यों? क्योंकि सब राजा आपके अधीन अभी नहीं हुए। बोले अब कौन बचा है? बोले जरासंध। ये जरासंध जब तक जीवित है तब तक आप राजस्व यज्ञ नहीं कर सकते। इसको मरना बहुत जरूरी है। और भगवान भीम और अर्जुन को साथ में लिए और ब्राह्मण का वेश धारण किया। ब्राह्मण का वेश धारण करके तीनों जरासंध के मुख्य द्वार पर गए और जरासंध से याचना करने लगे, भिक्षां देहि। जरासंध का कुछ नियम था, नित्य प्रति उस मंदिर में जाता था, उस समय में गए और जो भी कुछ मांगता था उस समय वो ना नहीं करता था। भगवान भी गए वहां और भिक्षा मांगे तो जरासंध भिक्षा देने लगा। बोले भिक्षा मुझे ये नहीं चाहिए। बोले तो? बोले जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिले तो ही मांगू, तो ही कहूंगा। बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बोले उसके लिए वचन देना होगा। बोले वचन देना होगा? ये कैसा मांगना है? बोले हाँ, यदि आप वचन दो कि जो तुम मांगोगे वही मिलेगा तो ही मैं मांगूंगा, क्योंकि आपका बहुत नाम सुना हूं। महाराज जरासंध बहुत बड़े दानी हैं, इसलिए आपके घर पे आए हैं। जरासंध ने कहा देखो हम दानी वानी थे नहीं,
लेकिन जब से कृष्ण के ऊपर विजय मिली है तब से ब्राह्मणों की मान्यता मैं देता हूं। ठीक है, तुम बहुत दूर से चल के आए हो, बद्रीनाथ धाम से चल के आए हो, कोई बात नहीं। जब इतने दिनों दूरी तक हमारे नाम का गान होता है तो ठीक है, मांगो क्या चाहिए। भगवान ने कहा जो मांगूंगा सो मिलेगा ना, मुकरोगे तो नहीं। बोले मैं भी जरा संत हूं, तुम किसके सामने खड़े हो तुम्हें मालूम नहीं। भगवान ने कहा बस 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 अपने बातों पर कायम रहना और कुछ नहीं। भगवान मांग रहे हैं कि युद्धं न देहि राजेन्द्र द्वंद्वसो यदि मन्यते युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानकांक्षिनः। भगवान ने कहा यदि देना चाहते हो तो हम तीनों में से किसी एक के साथ, हम यही मांग रहे कि द्वंद्व युद्ध करो। जरासंध ने कहा द्वंद्व युद्ध, आए हो बहुत बड़े पंडित बनकर इतना चंदन टीका लगाकर और युद्ध मांग रहे हो। ब्राह्मण तो कोई युद्ध नहीं मांगता, पहले तुम ये बताओ कि तुम हो कौन। पहले तुमने मुझे छल लिया है, वचन में बांध लिया है और युद्ध मांगते हो। पहले तुम बताओ कि हो कौन, अपना परिचय दो। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा ये मेरी दाहिनी ओर जो है ना, ये पांडव पुत्र सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम, और मेरी बाईं ओर जो है ना गांडीवधारी अर्जुन, और मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण। अब तुम चुन लो कि हम तीनों में से किसके साथ लड़ोगे। जरासंध ने मन ही मन में सोचा कृष्ण के साथ तो 17 बार ऐसे ही मैं हार चुका हूं, एक बार किसी तरह से जीते। अर्जुन की ओर इशारा कर बोला ये तो दुबला पतला, ये तो हमारे सामने चलने वाला है ही नहीं, और तुम्हें तो मैं पहले ही हरा चुका हूं, तो जिसे मैं एक बार हरा देता हूं उसके साथ युद्ध ही नहीं करता। भीम के ऊपर हाथ रख के बोले ये थोड़ा देर मेरे साथ। अब भीम का सीना तो और 56 से भी ज्यादा हो गया, एकदम मस्त भीम का चेहरा लगने का लगा। उस समय भगवान ने अर्जुन को कहा देखो भीम दादा का चेहरा कितना खिल रहा है। भीम दादा सोच रहे हैं आज तो मेरे सामने अर्जुन भी फेल, कृष्ण भी फेल, अरे जब मुझ में है तब तो इसने मुझे चुना है, और जब पड़ेगी ना तो पता चलेगा। युद्ध का नियम बना सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले सोलह दिन तक भयानक युद्ध हुआ। 16वें दिन रात्रि के समय, 17वें दिन रात्रि के समय भीम भागने को तैयार हो गया, कृष्ण के शिविर में गया। अर्जुन वहीं था, बोले यहां से रातों रात जल्दी भागो। बोले क्यों। बोले आदमी नहीं पहाड़ है, मैं कितना भी वार करता हूं इसके ऊपर तो कुछ असर ही नहीं पड़ता। तो क्या हुआ, भगवान ने कहा आप भी तो हैं, आपके शरीर में भी तो 10,000 हाथी का बल है। बोले कोई हाथी का बल नहीं, हम कल का युद्ध नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं कर सकते कल का युद्ध, कल का युद्ध तो निर्णायक युद्ध होगा। बोले कल का यदि निर्णय हुआ तो हम नहीं, हमारी लाश ही जाएगी, हमारा पार्थिव शरीर ही ले जाना होगा, इसलिए यहां से जल्दी भागो, और यदि तुम लोग नहीं भागे तो कोई बात नहीं, युद्ध करो मार खाओ हम तो निकले। भीम भागने लगा, भगवान लपक के पकड़े। भीम भैया जो ज्यादा खुश होता है दुख भी उसी के लिए खड़ा रहता है, उस समय खुशी भी आप ही हुए थे, मेरी ओर देख भी नहीं रहे थे, मन में सोच रहे थे यहां कृष्ण और अर्जुन दोनों मेरे सामने थे। लेकिन जिस तरह से सुग्रीव और बाली में युद्ध हुआ था तो बाली सुग्रीव को बड़ी पिटाई की थी,
सुग्रीव का अंजर पंजर ढीला हो गया। भगवान ने सुग्रीव के शरीर पर वो हाथ रखा कौन सा? अनुग्रह का। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, उसी तरह से भीम के शरीर पर जो ही भगवान करुणा का हाथ रखे सारी पीड़ा मिट गई, फिर से शरीर तंदुरुस्त हो गया। और भगवान ने कहा कि कल का युद्ध निर्णायक युद्ध होगा, और भीम दादा जब आप हारने लग जाओ ना तो मेरी ओर देख लेना। हाँ, मेरी ओर देख लेना। सुखदेव स्वामी कहते राजन, सुबह युद्ध आरंभ हुआ, भीषण युद्ध, परिणाम निकलने को तैयार नहीं, मानो जरासंध का पलड़ा भारी होता रहा। भीम देखने लगा कि क्या करें। भगवान कृष्ण एक तिनका उठाए और उस तिनका को बीच से फाड़ कर फेंक दिया। भीम जरासंध के शरीर में जोर से धक्का दिया, जरासंध जमीन पर गिरा, उसके दोनों पांव को पकड़ कर पूरे शरीर को बीच से फाड़ कर फेंक दिया। लेकिन बार बार उसके शरीर को फाड़ कर फेंकता, बार बार वो शरीर आकर के जुट जाता। भीम ने कहा अब क्या करें। भगवान फिर तिनका उठाए, फिर बीच से फाड़ कर दोनों तिनका को उल्टा दिशा में फेंक दिया। भीम ने भी ऐसे ही किया, उसके शरीर को बिल्कुल विपरीत दिशा में फेंक दिया और जरासंध की मृत्यु हुई। जरासंध की मृत्यु के बाद भीम वही मुकुट लेकर इंद्रप्रस्थ आ गए, और मुकुट राजकोष में रख दिया गया। राजस्वी यज्ञ की तैयारी हुई, सबको अपना अपना काम दिया गया। भीम को दिया गया रसोई बनाने का काम, द्रौपदी को दिया गया परोसने का काम, भगवान स्वयं लिए चरण धुलाने का काम, पत्तल फेंकने का काम, और कर्ण और दुर्योधन को खजाने का मालिक बनाया गया, क्योंकि ये दोनों पांडव का शत्रु है। ये दोनों पांडव का शत्रु है, ये ज्यादा से ज्यादा धन समाप्त करेगा, खर्च करेगा, इनको मालूम नहीं है। भीम के हाथ में एक ऐसा तिल है, दुर्योधन के हाथ में एक ऐसा तिल है, और कर्ण के हाथ में एक ऐसी रेखा है। ये दोनों कितना भी धन खर्च करेगा, जितना खर्च करेगा उसका दुगुना कोष में आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि दान पुण्य भी खूब होगा और धन खर्च भी कम नहीं होगा, घटेगा भी नहीं। उस इंद्रप्रस्थ का जो महल बना था ना, विचित्र बना था, मैदानव का बनाया हुआ महल। दुर्योधन एक दिन महल में निकला अकेले, सो एक जगह उस दुर्योधन को जमीन में ही जल का भ्रम दिखाई दिया, अब रुक गया सामने। दासी कोई सामने से आई, चली गई। दुर्योधन ने देखा ही पानी में पांव रख करके ऐसी चली गई, तो दुर्योधन भी पांव रखा तो वहां पानी नहीं था, चला गया। एक जगह जब गया तो मानो जमीन से आग निकल रहा हो, वहां भी दुर्योधन खड़ा हो गया। दासी आई, वहां भी सामने से चली गई। दुर्योधन ने देखा यहां भी विचित्र बात, दुर्योधन भी निकल गया। ऐसे कई जगह बनाए हुए थे, सब जगह दुर्योधन पार करता गया, लेकिन एक जगह कुआं बनाया हुआ था। दुर्योधन को हुआ कि वही जमीन में जल का भ्रम है। उस समय वहां कोई दासी भी नहीं आई, और जो ही अगला पांव रखा धराम से कुआं में गिर गया। वहीं ऊपर
भीम और द्रौपदी दोनों बैठे थे। दुर्योधन को पानी में गिरते हुए देखकर द्रौपदी और भीम दोनों व्यंग कस दिए। अंधा का बेटा तो अंधा ही होगा ना, दिखाई नहीं देती। और उसी समय दुर्योधन के हृदय में ये बात लग गया और यहीं से महाभारत का बीज बोया गया। कौरव पांडव का युद्ध हुआ, सारे कौरव मारे गए। सुखदेव स्वामी कहते, राजन समस्त वीरों का संहार हो गया, केवल पांडव बचे। पांडव भी स्वर्गारोहण कर लिए कृष्ण के जाने के बाद। तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारा शासन चला, तुम्हारे साथ ऐसा घटना घटा, तुम एक दिन जरासंध महाराज के मुकुट को पहनकर जंगल में शिकार पर गए, कलयुग से मिलना हो गया और कलयुग को तुम सोने में रहने का वचन दे दिया और कलयुग तुम्हारे मुकुट में जाकर प्रवेश कर गया और उस कलयुग के प्रभाव से तुम एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिए और ऋषि कुमार ने तुम्हें साफ दे दिया कि आज के सातवें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तक्षक के डसने से। पहले दिन की कथा को और सातवें दिन की कथा को सुखदेव स्वामी ने आकर जोड़ दिया और सुखदेव स्वामी कहते हैं, अभी तक तुमने मुझसे सैकड़ों हजारों सात दिन से प्रश्न किए, क्या बताओ तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मरने की जहां तक बात है, शरीर का धर्म है मरना, आत्मा तो सदैव अमर रहती है। ये मृत्यु जो है ना, ये पशु बुद्धि है। आत्मा न तो मरती है और न ही जन्म लेती है। जिस तरह से शरीर का पुराना वस्त्र फट जाए, लोग नए वस्त्र सिलवाते हैं, उसी तरह से ये आत्मा हर समय शरीर रूपी वस्त्र धारण करते रहते हैं। सुखदेव स्वामी ने कहा, बस बस बस, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम कथा सुन रहे हो और वास्तव में सुने। तो पहले दिन की कथा और लास्ट दिन की कथा को सुखदेव स्वामी ने जोड़ दिया और कहते हैं कि कृष्ण का आश्रय जीवन में जो भी व्यक्ति लेते हैं ना, लेना चाहिए, सिवाय कृष्ण के दुनिया में कोई है ही नहीं। बड़ी सुंदर कथा आ रही है, चाहे जैसे भी हो कृष्ण से लगाव रखो, जिस तरह से हो, चाहे मित्र बना लो, पुत्र बना लो, पिता बना लो, चाहे नौकर बना लो, कुछ भी बनाओ, कोई ना कोई संबंध स्थापित करो। कृष्ण के जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है, हैं? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, बड़ा सुंदर प्रसंग। कृष्ण के एक बचपन के सखा थे सुदामा। कृष्ण के बचपन के सखा हैं जिनका नाम सुदामा। आइए हम लोग सुदामा के बारे में दो बार चर्चा करते हैं। सुदामा के बारे में बहुत से लोगों के मन में बहुत गलत भ्रांति है। बहुत लोग कहते सुदामा भीख मांगता था, बहुत लोग कहते ब्राह्मणों का काम ही है भिक्षाटन करना, बिना मतलब का बात। ब्राह्मण को 36 वर्ण का राजा कहा गया है, क्या राजा को कभी देखे किसी के सामने भिक्षाटन करते हुए? भिक्षा मांगने वाले व्यक्ति का कभी देखे कि पद ऊंचा हुआ है? जो भीख मांगते हैं क्या कभी वो सिर उठाकर चल सकता है?
ब्राह्मण का तो काम भिक्षाटन करना है ही नहीं। सुखदेव स्वामी कहते राजन, किसी भी शास्त्र में कहीं भी ब्राह्मण के लिए भिक्षा लिखा हुआ है ही नहीं कि ब्राह्मण भिक्षा मांगे। भिक्षा मांगने से व्यक्ति का जो धर्म है ना वो नष्ट हो जाता है, उसका जो ब्रह्मत्व है वो नष्ट हो जाएगा। कि कृष्णस्य आसीद् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मोत्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। ये है सुदामा जी। सुदामा जी बचपन से विरक्त थे, इंद्रियों में विरक्तियां। सुदामा जी का मन बिल्कुल शांत, कोई उद्वेग नहीं। आपके पास बहुत है तो आपको मुबारक। हाँ, इंद्रियों के ऊपर बिल्कुल संयम। भागवत में जितना सुंदर सुदामा जी के लिए विश्लेषण किया गया है शायद किसी संत के लिए नहीं किया गया है। भागवत में कहीं नहीं लिखा है कि सुदामा जी कहीं भीख मांगे। सुखदेव जी कहीं भी सुदामा जी को भिखारी से संबोधन नहीं किया है। ये बात भी सत्य है, सुदामा जी दिन में भोजन करते हैं तो रात के लिए नहीं है। सुदामा जी दिन में भोजन करते हैं तो रात में नहीं, क्या होगा पता नहीं। ये बिल्कुल सच है, लेकिन सुदामा जी भीख मांगते थे ये तो बिल्कुल गलत है। आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, किसी के सामने नहीं। ये बात सत्य है कि पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। एक धोती जो 20 जगह से फटा हुआ, सिर ढकने के लिए कोई वस्त्र नहीं है, पैरों में बिवाइयां फटी हुई हैं, हाथ में फूटा हुआ एक लोटा, उधरी हुई रस्सी, टूटी हुई छड़ी, शरीर का एक एक हड्डी दिखाई देता है, लेकिन ललाट के ऊपर वो ब्रह्म तेज छलकता है। सुदामा जी के घर में बच्चे कई दिनों तक भूखे रह जाते हैं। आप कहोगे कि सुदामा जी का जीवन कैसे चलता है, तब कोई खेती बाड़ी है नहीं, कोई व्यापार है नहीं, आप कहते हो भिक्षा मांगते नहीं है तो सुदामा जी का चलता कैसे है। सुदामा जी एक पढ़े लिखे निष्णात विद्वान व्यक्ति हैं, उनको शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान है, भगवान की कथा वार्ता करते हैं और कथा में जो कुछ आ जाए ना, कभी सीधा आ जाता, कभी फल आ जाता। वो चलता, कभी कभी तो सीधा नहीं आता, कई दिनों तक तो फल आता, तो फल खाकर रह लेते। कभी कभी क्या होता कि कई दिनों तक फल भी नहीं आता, तो जल पी करके रहते हैं पूरे परिवार के लोग। अब जब कई दिन हो जाते कुछ नहीं आता तो सुदामा जी क्या करते हैं मालूम है, जब हम लोग खेत से गेहूं और धान काट के ले आते हैं ना, तो काटते समय गेहूं और धान गिर जाता है, खेत से चुनकर सुदामा जी एक एक दाना लेकर के आते, उनकी पत्नी उसे धोती, सुखाती और पीसती, उसकी रोटी बनाती। सुदामा जी, उनकी पत्नी और बच्चे
जितना हिस्सा होता उसी को प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते हैं। लोग तैयार हैं बगल में, एक बार सुदामा जी कहें ट्रक गिरवा दूंगा, लेकिन सुदामा जी मन में सोचते हैं कितने दिनों तक मैं लोगों से मांगूं, एक दिन की बात हो तो मांग लूं कि मेरे यहां एक बोरी चावल की आवश्यकता है। मेरे भाग्य में तो शायद यही लिखा हुआ है, कितने दिनों तक मांगूं, किसी से नहीं मांगूं। देखो कोई अमीर व्यक्ति दरिद्र हो सकता है, लेकिन किसी भिखारी किसी गरीब को दरिद्र कहने का कोई हक नहीं है। यदि किसी गरीब को आप दरिद्र कहते हो तो मानो उसके गरीबी का उपहास करना हुआ। एक कथा याद आई, एक संत भगवान थे, वो रास्ते में आ रहे थे, उन्हें एक 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 नया रुपया मिला, उठाकर अपने कमंडलों में रख लिया। लोगों ने कहा बाबा आप ये एक नया क्या करोगे? बोले मेरे तो कोई काम नहीं आएगा, लेकिन यदि कोई दरिद्र व्यक्ति मिलेगा ना उसके जीवन में काम आ जाएगा। मार्ग से जा ही रहे थे कि बहुत बड़ी सेना सामने से आई पश्चिम की ओर से, उसमें हलचल हो रहा था, कह रहा था लूटो काटो छीनो मारो। बोली ये कहां जा रहा है? पूर्व के राजा भी कमजोर हो गए हैं, तो पश्चिम के राजा जो है ना उनके ऊपर चढ़ाई करके उनके धन को छीनना चाहते हैं। संत भगवान ने कहा क्यों, पश्चिम के राजा के पास कमी हो गई है भोजन की, इसके पास नहीं है? बोले सब कुछ है, लेकिन वो राजा थोड़ा कमजोर हो गया है और धन उसके पास बहुत है। बोले ये भी राजा है वो भी राजा है, संकट में सहायता नहीं करके उसके उसको चाह रहा है कि वो भूखे मर जाए और मैं भोजन करूं। लगता है कि इससे बड़ा दरिद्र और मुझे कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अपने पास में सब कुछ है लेकिन फिर भी सामने वाले के ऊपर नजर गड़ा के बैठा है कि वो भरपेट क्यों खा रहा है। बीच रास्ते पर खड़े हो गए, बहुत बड़ी सेना, राजा का रथ आगे आगे, महाराज हट जाइए इतनी बड़ी सेना आ रही है हाथी घोड़ा। बोले मैं तो हट जाता हूं लेकिन पहले तुम अपना हाथ बढ़ाओ। अब राजा मन में सोचा है संत हैं क्या देंगे नहीं देंगे, वो एक पैसा और फूटी कौड़ी लेकर के हाथ में थमा दिया। बोले ये क्या दिया? बोले हम दरिद्र को खोजने चले थे। बोले इसका मतलब? बोले मतलब तो साफ है, तुम्हारे पास किसी वस्तु की कमी नहीं है फिर भी सामने वाला क्या कमजोर क्या हो गया उसे रहने ही नहीं देंगे। दर्द किसे नहीं तो और किसे कहते हैं? सामने वाला अपने दो वक्त की रोटी चैन से भोजन कर रहा है उसे मत खाने दो। तो किसी अमीर को आप दर्द कह सकते हो लेकिन किसी गरीब को आप दर्द नहीं कह सकते। सुदामा जी गरीब हैं, गरीब नहीं गरीबी रेखा पार, सुबह खाएं तो शाम के लिए कुछ नहीं, छत घर के ऊपर है ही नहीं, जब सुबह होती ना तो लाइट जलाने की कोई आवश्यकता नहीं, सूर्य नारायण भगवान एकदम समस्त कलाओं से पूर्ण पूरे लाइट को लेकर घर में प्रवेश कर जाते, जब बरसात होती तो एक भी बूंद बाहर नहीं जाता। जीवन में हर चीज की कमी है, लेकिन जब आवे संतोष धन सब धन धूड़ी समान। भगवान से यही कहो कि जीवन में विपत्ति भी आए ना तो प्रभु बर्दाश्त करने की क्षमता देना। इतनी विपन्नता होने के बाद भी सुदामा जी बिल्कुल संयमित रहते हैं, जो ठाकुर जी भेजते हैं उसे में पूरी परिवार के साथ गुजारा करते हैं, बसर करते हैं, कथा वार्ता करने जाते हैं उसमें सीधा मिलता है, कितने दिनों तक वही सीधा चलता, कभी कभी सीधा नहीं आता
फल आता है, फल दो चार दिन चल जाता है, कई दिनों तो कुछ नहीं आता तो जल पी करके पूरे परिवार के लोग रहते हैं, और जब वो भी नहीं आता तो खेत से सुदामा जी अन्न चुन चुन करके लाते हैं, और पत्नी भी भगवान ऐसी दे रखी है उस अनाज को कूट कर सुखा कर धोकर सुखा कर पीस कर उसका टिक्कर बनाकर, लेकिन भगवान का भजन खूब करते हैं। मन ही मन में सुदामा जी का दर्शन करिए, कैसा रूप है, शरीर के ऊपर वस्त्र नहीं है, 20 जगह से धोती फटी हुई, सिर ढकने को वस्त्र नहीं, पैर में बिवाइयां फटी हुई, जूते चप्पल नहीं है, एक फूटा सा लोटा, टूटी सी छड़ी, उधरी हुई रस्सी, शरीर का एक एक हड्डी दिखाई दे रहा है, लेकिन ललाट से ब्रह्म तेज छलकता है। माता लक्ष्मी से रहा नहीं गया, भगवान से बोली, प्रभु ये आपका इतना भजन करता है, आप इसे कुछ देते क्यों नहीं? बोलिए कुछ मानता ही नहीं है तो मैं कैसे दे? मैं भी देख रहा हूं कि कब तक नहीं मांगता है, मानो भगवान भी कसौटी पर कस ही रहे हैं। माता लक्ष्मी ने कही, यदि मैं जाकर के कहूं कि भगवान के पास से मांग लाओ तो चलेगा? बोले चलेगा नहीं, दौड़ेगा। माता लक्ष्मी एक ब्राह्मणी का रूप ले और सुदामा के पत्नी के पास गई, बोली बहन घर में इतनी विपन्नता है, और तुम्हारे पति के जो मित्र है ना वो द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका के जो राजा हैं वो तुम्हारे पति के बचपन के मित्र हैं, सो इनसे कहो कि एक बार अपने मित्र के पास जाए और उनसे कहें जो भी आवश्यकता की वस्तु है तुम्हें मिल जाएगी। अब देखिए पुरुष के मन में और स्त्री के मन में यही थोड़ा सा फर्क है, स्त्री चाहती है कि मेरे पास खूब गहना अंगूठी धन संपत्ति हो, हर स्त्री के मन में यही भाव होता है कि कुछ न कुछ मेरे पास रहे। आज सुदामा की पत्नी सुदामा जी के सामने आए और हाथ जोड़कर बोली, स्वामी मैंने आज कुछ आपके बारे में सुना है। सुदामा जी बोले, मेरे बारे में क्या सुनी हो आप? ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है जो सुनने के लायक हो। सुदामा की पत्नी बोली, मैंने ये सुना है कि द्वारिका के जो राजा है ना भगवान श्री कृष्ण, वो आपके बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए, बोले देवी तुमने आज कितनी पुरानी बात याद दिलाई, तुम्हें मालूम है कितनी पुरानी बात याद दिलाई तुम्हें मालूम है? अरे हम और कृष्ण केवल मित्र नहीं, लंगोटिया यार, एक साथ खेलते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ पढ़ते थे। आज द्वारिका का राजा है, हम अपनी कुटिया के मालिक हैं। सुदामा की पत्नी बोली, तो क्या कभी मिलने की इच्छा नहीं होती? सुदामा जी ने कहा, दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि कृष्ण के जैसा मित्र पाने के बाद भी उससे बार बार मिलने की इच्छा नहीं होगी? लेकिन यहां तो जब भी मिलने की इच्छा होती है ना तो नेत्र बंद करता हूं और अपने मित्र से मिल आता हूं। सुदामा की पत्नी बोली, एक बार मिल के आओ, हमारे जीवन में बहुत विपन्नता है। सुदामा जी बोले, यदि कुछ मांगने के लिए भेजना चाहती हो तो इस जन्म में तो मैं कभी नहीं जाने वाला। हाँ यदि तुम ये कहो, अयम ही परमो लाभ हो, केवल शरीर से मिल आओ तो ये चीज संभव हो सकता है। सुदामा की पत्नी बोली, बस बस बस, हम कुछ मांगने के लिए नहीं कहते हैं,
हम तो यही कहते हैं कि एक एक बार अपने अपने मित्र से मिलियो। सुदामा जी ने कहा, देखो जाने के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन मित्र के घर और गुरु के घर लोग खाली हाथ नहीं जाते, क्या करूं। सुदामा की पत्नी बोली, उसकी चिंता आप मत करो, वो व्यवस्था मैं करती हूं। ध्यान दीजिएगा, सुदामा की पत्नी यदि चाहती तो एक घर से चार बोरी चावल ला सकता है, लेकिन या चित्वा चतुरो मुष्टिर, चार घर से चार मुट्ठी चावल मांग के लाई है। क्यों मांगी है मालूम है? मेरे पति जब द्वारिकाधीश से मिलेंगे ना, और द्वारिकाधीश जब पूछेंगे मित्र कैसे हो, ये तो यही कहेंगे कि मित्र मेरे समान इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। उनको कैसे पता चलेगा कि मेरे मित्र के घर में कितनी तकलीफ है और कितना सुख है। एक जगह से एक थान कपड़ा आ सकता है, लेकिन एक बिलस्त कपड़ा जो 20 जगह से सिला हुआ है, मेरे गोविंद को पता चल जाए ये देखकर कि मेरे मित्र के घर में कितनी विपन्नता है। और सुदामा की पत्नी अपने नेत्र के जल से उस चावल को भिगो दी। द्वारिकाधीश, मेरा संदेश तुम समझ लेना। और पत्नी तो वही है वास्तव में जो गोविंद से मिलने की प्रेरणा दे। सुदामा की पत्नी सुदामा जी को क्या भाव सहित विदाई दे करके कृष्ण से मिलने का आग्रह करके भेज रही है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में उजाला नहीं है, नहीं है इस नगर में उजाला नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में कहना माना तुम स्वामी हमारे।
और पत्नी के कहने पर आज ऐसा मंगल मुहूर्त बना जो सुदामा जी द्वारिका के लिए चल पड़े। अब ये तो ठहरे भजनानंदी, सुदामा जी भजन करने वाले ठहरे, भगवान का भजन करने वाले। जाना था द्वारिका सो चले गए वृंदावन। महीनों बीत गए तब याद आया मुझे तो द्वारिका जाना है। रास्ते में केवल कृष्ण के नाम का जप, कृष्ण के नाम का जप, केवल कृष्ण के नाम का जप और कुछ नहीं। चलते 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 सुदामा जी जब बहुत आगे चले ना तो रास्ते में एक नदी आ गई। अब ठंड का महीना, कोई नौका भी नहीं। सुदामा जी ने मन में सोचा कि लगता नहीं है कि हम द्वारिका जा पाएंगे, क्योंकि ये नदी हम कैसे पार करेंगे। तो फिर कृष्ण की याद, हे गोविंद हमारी सहायता करो, मुझे पार करा दो। उसी समय जब करुण पुकार निकली भगवान कमर में फेंट बांधे, हाथ में बांस लिए और नौका लेकर सीधे नदी में छलांग लगा दी। ये केवट के रूप में मेरे गोविंद ही हैं जो सुदामा जी को पार करने के लिए आए। हाँ, और मानो हल्ला करने लगे, कोई पार जाने वाला है, कोई पार चलने वाला है। सुदामा जी सारा कि हाँ भाई इधर एक आदमी है, आइए। सुदामा जी जब नौका में बैठे ना तो
चैया आयो कृष्ण कन्हैया अपने मन की सारी बात कह दिए और दरबान अंदर जा रहा है। भगवान भोजन करके उठे, हाथ धो ही रहे थे उसी समय दरबान पहुंचा और हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु आपके आराम में हम विघ्न डाल रहे हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, एक निवेदन करना था। भगवान ने कहा, हाँ द्वारपाल बताओ क्या 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 निवेदन करना था, क्या कहना चाहते हो? ये द्वारपाल कहता है, किसी से पगान जगा तन पे प्रभु जान को आई बसो कहीं ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपासन की नहीं सामा द्वार खरो तुझ दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। ये दरबार कहता है कि एक निहायत गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है प्रभु, एक नितांत विपन्न ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, उनके पैरों में विवाइयां फटी हैं, सिर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, 20 जगह से धोती फटी है, इतना दुबला पतला शरीर है कि एक एक हड्डी दिखती है, फूटा हुआ लोटा, टूटी सी छड़ी, उधरी सी रस्सी हाथ में, लेकिन आपको अपने बचपन का मित्र कहता है, हाँ और अपना नाम उन्होंने सुदामा बताया है और आपके दर्शन करना चाहते हैं। जैसे ही द्वारिकाधीश ने सुना कि मेरा सुदामा आया है, मानो
सलाम लगा दिए दरवाजे से। अब तो भगवान जो ही दौड़ लगाए पीछे से पूरा द्वारिका दौड़ पड़ा, एक दरवाजा पार किए। अब दौड़ते समय तो भान नहीं रहा, बाजू बंद कहीं गिर गया, दुपट्टा कहीं गिर गया, चरण पादुका कहीं छूट गए। पूरे द्वारिका में हड़कंप मच गया, भूकंप आ गया हो क्या हुआ। भगवान द्वारिका भी आज पहली बार दौड़ लगा रहे हैं। दरबार ने कहा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, एक कोई ब्राह्मण आया है जिनके बारे में मैंने भगवान से कहा, भगवान दौड़ लगा दिए। भगवान दौड़ते जा रहे, सुदामा सुदामा सुदामा, और इधर सुदामा के मन में जब जीवन में विपन्नता होती है तो बहुत बैठाती है मन में, मन में सोच रहे हैं वो तो बचपन की बात थी जब मित्रता थी। अब तो कृष्ण द्वारिका के राजा हैं, प्रेम सकयो बांके बिहारी लाल की जय। आवाज कहाँ है, हाथ तो बहुत गोटे उठा दिली है, करी आवाज हमारी चाहिए। प्रेम सकयो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम सुनेंगे ले आवाज, करी हमरो से करी जोर से आवाज चाहिए। प्रेम सकयो बांके बिहारी लाल की जय। आए महर्षा, हम सब करी दोनों हाथ ऊपर उठाकर, प्रेम से करिए कृष्ण कन्हैया लाल की। चंदन गरीबी से बुरा हाल, बार बार धर्म पत्नी के कहने पे सुदामा जी चले हैं द्वारिका देश भगवान श्री कृष्ण से मिलने। और जब द्वार पे जाते हैं तो द्वारपालों ने उन्हें रोका। सुदामा जी विनती करते हैं कि अरे भाई, हमारे बचपन के सखा द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण है, उनसे मिलना है। द्वारपालों ने कहा कि हे महाराज, अभी तो हमारे भगवान विश्राम में होंगे, शयन का उनके समय है दोपहर के, तो थोड़ी देर आपको विश्राम करना पड़ेगा। सुदामा जी ने कहा कि हमें भी जरूरी है उनसे मिलना, और हमारे पास भी समय बहुत कम है, इसलिए एक बार आप लोग जाके कहो तो। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे ये विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही एक मन में आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीबा गया है, मिलने सुदामा गरीबा गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ के, भटकते भटकते न जाने कहाँ के, सारे पहल के करीबा गया है, तुम्हारे के करीबा गया है। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो।
कह दो बस एक बार से जा करके कह दो मिलने सफा Oh,
घबराओ प्यारे जरा भी सुना पर पोते का समाते गरी का कया है पोते का समाते गरी का कया सुदामा जी ने
कारे कन्हैया, अरे ये तो तेरी भाभी ने सौगात दिए तुझे, ये सौगात तेरी भाभी ने दी है, ये सौगात तेरी भाभी ने दी है। किसे लेके आदमी गरीब आ गया है, किसे लेके आदमी गरीब आ गया है। घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा। आए हैं देखियो राधे कृष्ण दीवाना सुपरमार्केट, राधे कृष्ण दीवाना सुपरमार्केट के तरफ से 101 रुपया आ गए हैं। जोरदार जयकारा फिर से करिए कृष्ण कन्हैया लाल की, आवाज नहीं आले, आवाज नहीं अले करी और जोरदार आवाज आवाज चाहिए। ये बहुत का बुआ सिक्की मारे से मारे वाला बढ़िया दे आप बोलो या मेरा कान नहीं कर भूली ना सुदामा जी आप बिदा के हो छते घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, न घबराओ प्यारे, अरे उनको सबका आवाज आवाज़ है, हाँ न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, जय हो ताली बजा के खुशी का समाते गया है।
हर कड़े हमारा आवाज हुआ कम कर बहुत बड़े गलत है। भोला जी परी निवासी इनका तरफ से 201 रुपया आए हैं। भोला जी परी निवासी इनका तरफ से 201 रुपया आए हैं। और मधु जी स्वीटी जी आभा जी और श्वेता जी ये चारों नाम हमारा ख्याल से बहिने छथिन सब चारों गोटे यानी फोर जी मधु जी स्वीटी जी आभा जी और श्वेता जी फोर जी तो हिनका तरफ से 51 गो रुपया अले हैं। अपना सब गोटे के तरफ से बार बार धन्यवाद। और भोला जी के तरफ से परी निवासी हिनका तरफ से 201 रुपया। रोबिन जी मोतीपुर निवासी हिनका तरफ से 101 रुपया अले हैं प्रदान भले हैं। एक बार जोरदार जयकारा है भाई साहब बोल पा के बिहारी लाल की। Yeah.
भोसलो पीर पी प्रेम सुदा के भोसलो पी
Thank you.